और बड़ी खबर आपको बता दें, मॉनसून सत्र से पहले संसद में एक नया आदेश पारित किया गया है जिसमें कहा गया है कि संसद में किसी भी धरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्यसभा के महासचिव के आदेश के मुताबिक संसद के जो सदस्य हैं किसी भी धरने या हड़ताल के लिए संसद परिसर का उपयोग नहीं कर सकते। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, मॉनसून सत्र से पहले संसद में ये नया आदेश है वो पारित कर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि संसद में किसी भी धरने की इजाजत अब नहीं दी जाएगी। राज्यसभा के महासचिव का ये आदेश है जिसमें ये कहा गया है कि जो संसद के सदस्य हैं किसी भी धरने या हड़ताल के लिए संसद परिसर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इज समथिंग थ्रॉटलिंग डेमोक्रेटिक राइट और रादर इंजोरिंग द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। It is the fundamental duty of each member of parliament to protest against it. और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी नियामिका इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। नियामिका, पहले तो कल सबने अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की जो खबर देखी, जिन शब्दों का इस्तेमाल आप संसद में नहीं कर सकते, और अब जो है आज एक नया आदेश आ गया है जिसमें ये कहा गया है कि संसद परिसर में धरना भी नहीं दिया जा सकता है, क्या कुछ डिटेल्स है हमारे पास? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो नया आदेश पारित किया गया है उसके अनुसार ये साफ कर दिया गया है कि किसी भी दल राजनीतिक दल के द्वारा संसद के परिसर में कोई भी प्रोटेस्ट या धरना नहीं हो सकता है, और उसको लेकर राज्यसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से एक ऑर्डर भी पास किया गया है। हालांकि ये ऑर्डर एक दिन बाद आया जब एक और ऑर्डर पास किया गया था, एक बुकलेट जो कि रिलीज की गई थी लोकसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से, जिसमें जो तमाम ऐसे शब्द हैं जैसे जुमला जीवी, स्नूप गेट, इन सभी को अनपार्लियामेंट्री टर्म किया गया था, जिसको लेकर विपक्ष ने लगातार जो सत्ता पक्ष है उस पर आरोप लगाए थे। उनका यही कहना था कि कहीं ना कहीं जो भाजपा की सरकार है वो सारे विपक्षी दलों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते इन सभी शब्दों का इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है। और उसके बाद अब जो ये नया ऑर्डर पास किया गया है जिसमें किसी भी तरह का प्रोटेस्ट करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है पार्लियामेंट प्रेमिसेस में, उसको लेकर एक बार फिर से ये जो आरोप है वो लगाने शुरू कर दिया है विपक्षी दलों ने। इसी के चलते जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश है, उन्होंने इस ऑर्डर को ट्विटर पे शेयर करते हुए ट्वीट भी किया है कि एक नया जुमला जो है वो ये करने की कोशिश की है नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हमारे उनकी तरफ से, जिसमें उन्होंने एक जो तंज कसते हुए भी कहा है कि धरना मना है। तो इस तरीके के जो जो आरोप है वो विपक्षी दल लगा रहे। इसके अलावा जो टीएमसी के सांसद है डेरेक ओब्रेन, उनका भी साफ तौर पे कहना है कि ये जो सभी ऑर्डर्स है जो सरकार की तरफ से आए हैं उनको वो चाहे कितना भी सरकार आवाज दबाने की कोशिश कर ले विपक्षी दलों की, लेकिन वो वाले नहीं है और वो लगातार अपनी आवाज उठाते रहेंगे। जो भी तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर विपक्षी दल अपनी आवाज पुरजोर तरीके से उठाता रहेगा। और उसके अलावा उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है, उन्होंने बोला है कि हाल ही में एक जो हिंदू रिचुअल्स है उसके अकॉर्डिंग एक सेरेमनी की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उन्होंने ये जो आरोप लगाया है ये उस तथ्य को लेकर लगाया है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए पार्लियामेंट हाउस में जो नेशनल एम्बलम है उसका उसको जो अनवील किया था उसके दौरान जो उन्होंने हिंदू सेरेमनी के आधार पर जो भी पूरी प्रक्रिया की थी उसको लेकर उन्होंने ये तंज कसा है। और उनका यही कहना है कि विपक्षी दल भी इसी प्रकार अपनी आवाज उठाते रहेंगे संसद में। जी बिल्कुल, तो हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि ये मॉनसून सत्र से पहले संसद में एक नया आदेश जो है वो आ गया है कि अब संसद परिसर में किसी भी तरह का कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। नियामिका, आपने कुछ रिएक्शंस बताए कि किस तरह से जो है ऑपोजिशन इसका विरोध कर रही है, क्योंकि कल जिस तरह से एक फरमान आया था कि आदेश दिया गया था कि जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स हैं एक कुछ शब्दों बता दिए गए जिनकी अनुमति अब संसद में नहीं होगी, तो इसी प्रकार से धरने की भी अब अनुमति नहीं है, तो और विपक्षी दलों के और कुछ प्रतिक्रम हमारे पास सामने आए हैं? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस और टीएमसी ने तो अपना पक्ष
वो साफ कर दिया है कि इस तरीके के कितने भी ऑर्डर जो है वो पास कर दिया जाए, लेकिन विपक्षी दल तमाम जो मुद्दे हैं उन पर अपनी आवाज पुरजोर तरीके से उठाते रहेंगे। उनका यही कहना है कि चाहे किसी शब्द को अनपार्लियामेंट्री टर्म किया जाए। बिल्कुल नियामिका, तो ऑपोजिशन लगातार जो है इसका विरोध कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।